देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिष्ट, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर खटीमा से, वन विभाग हुआ मुस्तैद, आपको बताते चलें। उधम सिंह नगर जनपद के जलाशय में आने वाले प्रवासी पक्षियों को बर्ड फ्लू और शिकारियों से बचाने के लिए तराई पूर्वी वन विभाग के DFO संदीप कुमार ने वन विभाग के कर्मचारियों की टीमें गठित की। गठित टीमों द्वारा जलाशयों पर ड्रोन की मदद से प्रवासी पक्षियों पर रखी जाएगी नजर, साथ ही सुबह शाम जलाशयों के किनारे गश्त कर शिकारियों की गतिविधियों पर भी वन विभाग रखेगा निगाह। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के शारदा सागर डैम, धौरा डैम व नानक सागर सहित अन्य जलाशयों में जाने का सीजन शुरू होते ही भारी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षियों का शिकारियों द्वारा भारी मात्रा में शिकार किए जाने की घटनाएं विगत कुछ दिनों में सामने आने पर इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग द्वारा हर साल टीमें गठित कर जलाशयों की निगरानी की जाती है। इस वर्ष बर्ड फ्लू के फैलने के कारण तराई पूर्वी वन विभाग के DFO संदीप कुमार ने उधम सिंह नगर जनपद में पड़ने वाले इन जलाशयों में प्रवासी पक्षियों को बर्ड फ्लू और शिकारियों से बचाने के लिए वन विभाग ने विशेष टीम गठित की है। इन टीमों के द्वारा ड्रोन की मदद से जहां जलाशय में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर निगाह रखी जा रही है, साथ ही वहीं स्पेशल टीमों द्वारा जलाशय के किनारे सुबह शाम गश्त कर शिकारियों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। क्षेत्र में जो हमारा शारदा सागर डैम है, क्योंकि इसमें जो है प्रवासी जो पक्षी है वो काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो इस संबंध में किसी का मॉर्टेलिटी हुआ है, कोई पक्षी का डेथ वगैरह तो नहीं हुआ है, इस संबंध में जो है ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और इससे एक और भी हमें जो है वो एक ऑब्जेक्टिव जो है हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है पोचिंग भी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनकी पोचिंग भी होती है, तो ड्रोन के माध्यम से और फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से उन पे भी कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।